अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एच रेफ्रिजरेशन इस्लामाबाद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो R600 कंप्रेसर और गैस और इसकी वाशिंग के बारे में है। तो R600 कंप्रेसर, इसकी गैस जो है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, तो मैं इसकी जो है वो पाइपिंग जो है उनको, फ़िल्टर और कंप्रेसर को काट के बाहर निकाल लेता हूँ, और उसके बाद इसकी जो है वो नालियों की वाशिंग होगी, सफाई होगी पेट्रोल की मदद से। आप गैस की मदद से भी कर सकते हैं, पेट्रोल की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं पेट्रोल के ज़रिए, वैक्यूम पंप के ज़रिए जो है इसकी वाशिंग करने वाला हूँ। तो उससे पहले जो है मैं इसका कंप्रेसर जो है इसके जो है पाइप की कटिंग करके इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ये इसका सेक्शन पाइप हटा दिया, अब इसका जो है वो डिस्चार्ज पाइप जो है इसको भी हटा देते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने कंप्रेसर बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि आया इसके अंदर जो है वो मॉइस्चर है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑयल जो है वो है, तो मैं इसके अंदर पेट्रोल डाल देता हूँ। तो मैंने इसके साथ वैक्यूम पेट्रोल लगा दिया इसके एवेपोरेटर के साथ, इसी तरह कंडेंसर के साथ लगा के कंडेंसर फौरी जो है वो उसकी सफाई हो जाती है, और एवेपोरेटर का टाइम लगता है।
जी व्यूवर्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। AH रेफ्रिजरेशन, इस्लामाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।